गाइस दैट्स वाज जेके एंड आप देख रहे हो द कॉमन सेंस। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत रिव्यू जैसा बताएंगे, क्योंकि इसका एक अनबॉक्सिंग एक रिव्यू हो नहीं सकता क्योंकि उस कैपेबिलिटी वाला फ़ोन है ही नहीं है। तो मैं आपको एक ही वीडियो में दोनों चीज़ देने की कोशिश करूँगा। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि कौन सा फ़ोन है और सारी चीज़ें इसके बारे में अंदर की बातें बताएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देख रहिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हॉट 11s इन्फिनिक्स की तरफ से और ये मैंने लिया है ऑफलाइन मार्केट से। और इस फ़ोन में आपको इसका जो वेरिएंट है वो है 4128। यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर में बॉक्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बॉक्स। लेकिन अंदर की ओर देखते हैं, लेकिन पहले तो मैं एक बार खोल चुका हूँ, फिर से खोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन विथ द डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और स्टेबिलिटी वगैरह कैसा है वो भी चेक करेंगे। तो अंदर की ओर हम जब खोलते हैं तो इसमें आपको एक चार्जर जो नॉर्मल ही है आप आजकल के हिसाब से बोल सकते हो। इसमें आपको रेटिंग आपको दिखा देता हूँ, 18 वाट का है ना। और साथ में यहाँ पर आपको टाइप सी केबल, आजकल टाइप सी ही आ रहा है और केबल का क्वालिटी तो मतलब ठीक ठाक ही होता है। और इसमें आपको ऑरेंज एक ग्रेडियंट भी देखने के लिए मिलता है अंदर की तरफ प्लास्टिक में, तो ये भी एक अच्छी बात है इस चार्जर की, तो आपको ढूंढने में आसानी होगा। और यहाँ पर एक वेलकम टू एक्स क्लब का एक मतलब कूपन मिलता है जिसको आप स्कैन करके इसमें कुछ कुछ कर सकते हो, वारंटी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एक सिम इजेक्टर टूल जो नॉर्मल है, लेकिन पन्नियाँ बहुत सारी दे रखी है इसमें, और इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, ये एक ख़ास बात नहीं था। और यहाँ पर देख सकते हो ये है सर्विस और यहाँ पर वारंटी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत दिया गया है एज यू कैन सी यार यहाँ पर, है ना। तो उसके साथ साथ ये है एक यूज़र मैनुअल काफ़ी छोटा है, ये अच्छा लगा मेरे को कि बेकर में इतना बड़ा यूज़र मैनुअल देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ़ोन चलाना हर किसी को आजकल आता है, है ना। तो यहाँ पर आपको एक क्लियर केस और साथ में एक प्लास्टिक टेम्पर्ड ग्लास आपको मिल जाता है, सॉरी ग्लास नहीं, टेम्पर्ड प्लास्टिक आप बोल सकते हो ये प्रोटेक्शन के लिए, जो ठीक ठाक है। आपके पास अगर नया में अगर आपके पास टेम्पर्ड ग्लास नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिलिकन केस मिलता है जो कि वाइट कलर में है, 2 दिन बाद ये पीला पड़ जाएगा, इसमें हर कोई जानता है इसके बारे में, है ना। उसके बाद आप सीधा फ़ोन में आएंगे। फ़ोन में एक चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है एक टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास एक मतलब फ्री में दे दिया क्योंकि ऑफलाइन से लिया ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हो, G88 मिलता है, 90 हर्ट्ज़ वगैरह मिलता है। और यहाँ पर देखो कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें ग्रेडियंट और जो फिनिश है वो अच्छा है, ग्लोसी फिनिश है मतलब, लेकिन फिंगरप्रिंट जो आएंगे वो दिखेगा नहीं आपको। तो एज यू कैन सी यहाँ पर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि ऑफलाइन में आप अगर खरीद रहे हो तो इसमें आपको एक टेम्पर्ड ग्लास आपको फ्री में मिल जाता है। और ये फ़ोन कितने में ख़रीदा है, क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। फ़ोन को बूट होने देते हैं, बूट होने के बाद हम इसे सेटअप करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ गया, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और इसका जो एनिमेशन है वो भी मेरे को अच्छा ही लगा, XOS का X लिखा हुआ आया, इसके बाद OS आ जाएगा इसमें, तो ये चीज़ अच्छा लगा मेरे को कि इसका जो UI का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा किया है। इसके बाद यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन आ गया, तो उसको सेटअप करते उससे पहले मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो था वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल और 18 वाट लिखा गया है, तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको बताऊँगा ही। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट करते, और ये सेटअप बिल्कुल हो चुका है, XOS 7.6 पर चलता है और यहाँ पर लॉन्चर चल रहा है देखिए। तो ये देखो थोड़ा सा मतलब लैगिंग तो होता ही है क्योंकि मिड रेंज या बजट रेंज के जितने भी फ़ोन हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा स्लो कर देता है मतलब। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है, और डिज़ाइन वाइज अगर बात करूँ आप, फिंगरप्रिंट आपको पीछे की साइड मिलता है, जो कैमरा बम्प है वो ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ तो नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। और फ्लैश पे आपको क्वाड फ्लैश मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और एक कैमरे की जगह पर ऐसे मतलब स्टाइल के लिए दे दिया 15 मेगापिक्सल दिख कर, बाकी यहाँ पर 3 कैमरा मिलता है आपको।
और तीन कैमरे में जो दो कैमरा है वो तो बेकार ही है। आपको पता है हर एक फ़ोन में दो तीन चार ऐसे जो छोटा छोटे कैमरा होते हैं 2 मेगापिक्सल के, वो वैसे ही बेकार का ही होता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है द फ्यूचर इज़ नाउ, तो ऐसा करके लिखा भी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो सिम इजेक्टर टूल है, यहाँ पर सिम इजेक्टिंग मतलब जो स्लॉट होता है सिम का वो है, ये फुल स्लॉट है, मतलब यहाँ पर आपको 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे के साइड सारी चीज़ें मिल जाते हैं, स्पीकर्स, आपको चार्जिंग पोर्ट मतलब टाइप सी है ना, और उसके साथ माइक्रोफोन एंड हेडफोन जैक चारों ही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इस साइड पे तो सिम इजेक्टर ही है, और दूसरी साइड में आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर सबको मिल जाते हैं, है ना। तो इस साइड पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग भी किया गया है फ़ोन के पीछे, और ग्लॉसी फिनिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसा ब्लूइश, मतलब आप बोल सकते हो कि नेवी और जो स्काई ब्लू है उसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट कर दिया गया है। यहाँ पर कैमरा देख सकते हो कितना बड़ा है, मतलब जो शाओमी का जो मतलब निकला है ना अभी नया नया वार्निंग सेंसर उसके जैसा बड़ा बना दिया, बट काम तो वही छोटा वाला ही करता है। यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सेल्फी मिल जाता है ठीक ठाक, और डॉट सेल्फी है मतलब डिस्प्ले के बीचों बीच, है ना, बीचों बीच मतलब मिडिल में नहीं ऊपर की ओर। तो यहाँ पर कैमरा हम टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कैमरा, कैमरा तो ठीक ठाक, मतलब क्लिक करने के साथ साथ ही फ़ोटो सेव हो जाती है, ये एक अच्छी बात लगी मेरे को। बहुत सारे फ़ोन है घूमते हैं मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है सेव करने में, लेकिन इसमें नहीं ले रहा है तो एक अच्छी बात है। और राइट स्पीड इसका अच्छा है ये मैं बोल सकता हूँ। इसका फ्रंट कैमरा देखो ठीक ठाक है, बहुत ही बढ़िया तो नहीं कह सकते, इसमें आपको 2K का रेजोल्यूशन मिल जाता है यहाँ पर, और HDR वगैरह आपको मिल जाता है, AI जितने भी मतलब नॉर्मल मिलते हैं ना वो सारे की सारे चीज़ें मिलते हैं। और वीडियो पे आप सबसे हाई आप 2K शूट कर सकते हो ठीक है, लेकिन 2K पर आपको कोई भी इतना सा भी मतलब स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है। यहाँ पर ब्यूटी पोर्ट्रेट सुपर नाइट वगैरह आपको मिल जाए, और इसके साथ साथ आपको स्टिकर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, है ना। तो वो सब आप खुद ही ट्राई कर सकते हो अगर आप लेते हो तो। अगर बजट रेंज में आपका इतना ही बजट है और इसमें आप एक फ़ोन लेना चाहते हो जो अच्छा काम करे, तो इन्फिनिक्स एज द बेस्ट ऑप्शन। सभी फ़ोन नहीं, ये वाला फ़ोन, क्योंकि अभी जो यूनिसॉक का प्रोसेसर आ रहा है कुछ कुछ फ़ोन अच्छा हो रहा है, कुछ कुछ फ़ोन मतलब थोड़ा बहुत बग दिखाता है, मतलब जो वो यूनिसॉक का प्रोसेसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेजोल्यूशन 2K पर है, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो बाकी सारे जो सेटिंग्स है यहाँ पर दिया गया है, और कैमरा मतलब नॉर्मल आप बोल सकते हो। इसका जो एबर्ड सेक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो XOS है ना, और इसके साथ साथ 4GB रैम, 128GB स्टोरेज वगैरह वगैरह चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। हेलो G88 प्रोसेसर मिलता है, 5000mAh की बैटरी आपको मिल जाता है, जो कि क्वाइट गुड बोल सकते हो आप, क्योंकि ये बजट लेवल की स्मार्टफोन है तो इसमें आपको इतना मिलना तो चाहिए, क्योंकि इसका जो मतलब स्टेबिलिटी होता है उतना खास नहीं होता है ऐसा फ़ोन की, उसके वजह से बैटरी ज़्यादा खाता है, तो अच्छा बैटरी रहेगा तो अच्छा होगा। यहाँ पर देखो 14999 का MRP लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने कितने में परचेज़ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 11200 रुपया लिखा, बट 11000 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा 4128 ठीक है। और अगर आपको 464 लोगे ना तो आपको और भी 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 10000 में आपको 464 का वेरियंट आपको मिल जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 11S ये जो मॉडल है इसमें ठीक है। तो एक अच्छी बात है, और बाकी केस लगा करके देखते हैं कि कैसा लुक आता है, तो नॉर्मली लुक आता है, लेकिन कुछ दिन बाद तो ये पीला पड़ जाएगा तब अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो बाकी ऐसे मतलब फ़ोन नॉर्मल है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिस इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट फ़ोन इन 11000, क्योंकि इससे अच्छा अच्छा फ़ोन पोको लॉन्च कर रहा था, लेकिन पोको में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, तो इसी वजह से लोग लेना पसंद नहीं करते ठीक है। तो उस हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। जो पोको का M4 5G है वो भी अच्छा ही है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाता है। पोको X3 की तरह X3 Pro जो था उसमें बहुत ज़्यादा बग आया था, फ़ोन डेड हो जा रहा था, तो वो ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम नहीं आता पोको में तो पोको ठीक है इन दिस रेंज। अगर ऐसे आपको नॉर्मल फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए सही रहेगा इन्फिनिक्स का, लेकिन आप इस पर आप ये करो कि रिसेल वैल्यू मत देखो ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और पूरी मतलब जानकारी दे दो कमेंट में, जो भी चीज़ें आपको लगता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, और क्या बोलना चाहिए था, वीडियो कैसा लगा, सारी चीज़ें आप खोल कर बोलो कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।